हेलो बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें जस्ट एक ये 14th क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो एक ट्राइंगल है ए बी सी। पहले तो ट्राइंगल बना देते हैं, ए बी सी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी कोई पॉइंट है साइड बी सी पर। ठीक है, तो इतना तो कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं, सच दैट एंगल ए डी सी और बी ए सी बराबर है। तो एंगल ए डी सी, ये हो गया एंगल ए डी सी और बी ए सी, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो प्रूफ करना है हमको, टू शो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी आसान है वैसे तो। अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स मैथ्स लगाऊं इसमें, तो मुझे ये शो करना है, सी ए स्क्वायर हो गया सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये शो करना है। और क्या करेंगे, सी ए के अपॉन में सी डी को ले जाइए और सी बी के अपॉन में सी ए को ले जाइए, या ऐसा भी कर सकते थे सी ए अपॉन सी बी और सी डी अपॉन सी ए, एक ही बात होती। तो बेसिकली मुझे ये आइडिया मिल गया कि मुझे सी ए अपॉन सी डी दिखाना है, यानी ये साइड सी ए और ये साइड सी डी का यूज है, और सी बी सी ए, तो सी बी और सी ए का भी यूज है। ओके, तो मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ। अब देखो, साइड्स मुझे कौन कौन सी चाहिए, सी ए चाहिए, ये साइड चाहिए, सी डी चाहिए, ये साइड चाहिए, फिर मुझे सी डी चाहिए, सी ए चाहिए, सी बी चाहिए, सी बी यानी पूरा ही चाहिए फिर, और सी ए चाहिए। ओके ठीक है, तो मैंने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल डी सी ए। कोई बच्चा कह सकता है ऐसे क्यों नाम लिखे हैं, ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल डी सी ए, उसका भी मैं अभी आपको रीजन दिखा देता हूँ। तो देखो, एंगल ए तो एंगल डी के इक्वल दिया है, ये पूरा एंगल जो ए है बड़े वाले ट्राइंगल का, पूरा एंगल जो ए है वो छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल डी के इक्वल दिया है, तो इसलिए मैंने जहाँ ए लिखा है वहीं डी लिखा है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। फिर ए सी बी में जो एंगल सी है, और डी सी ए में भी जो एंगल सी है वो कॉमन है, तो फिर मैंने कॉमन एंगल्स के नाम लिखे। और फिर जो बच गया तीसरा वर्टेक्स, तो ए लिख दिया, सी लिख दिया, तो बड़े वाले ट्राइंगल में जस्ट बी रह गया और छोटे वाले ट्राइंगल में डी सी ए रह गया। ठीक है, तो एक बार मुझसे क्लास में एक बच्चे ने ये भी पूछा कि सर, आपने एक तो ये बड़ा ट्राइंगल लिया, एक ये राइट वाला ट्राइंगल लिया, आपने बड़ा ट्राइंगल और लेफ्ट वाला ट्राइंगल क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेता तो मुझे मिलती साइड ए बी जो मेरे काम की नहीं थी, और बी डी मिलता जो कि मेरे बिल्कुल ही काम का नहीं था, और इसमें कोई एंगल्स भी इक्वल नहीं दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो एंगल इसी छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में ही इक्वल दिया है, ए डी के इक्वल, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। इसलिए मैंने देखो कैसे नाम लिखा है, बड़े वाले में ए और छोटे वाले ट्राइंगल में डी, फिर सी कॉमन है, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में जो बच गया वो एंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में भी जो बच गया वो एंगल ए बच गया। ठीक है, तो अब तो आपको पता चल ही गया है, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल बी ए सी और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ए डी सी या सी डी ए भी कह सकते हैं, ये इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। और फिर एंगल सी बराबर एंगल सी है, वो तो कॉमन है दोनों में, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो फिर आप क्या कह सकते हैं, ए सी अपॉन डी सी सी बी अपॉन सी ए के बराबर होगा। वैसे तो तीसरी साइड भी ले सकते हैं, ए बी डी ए, बट ए बी डी ए का कोई यूज है नहीं, ये मैंने रफ में करके देखा हुआ है, तो ए बी डी ए का कोई यूज है नहीं। तो फाइनली मैंने क्या किया, पहले दो ए सी बाई डी सी
इज इक्वल टू सी बी बाई सी ए, राइट। इस सी ए को इधर भेज दो तो ए सी इंटू सी ए, वैसे तो दोनों सेम ही है, अभी ठीक से लिख देंगे, और डी सी इंटू सी बी, डी सी इंटू सी बी, ठीक है। अब थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, जैसा प्रूफ करना है उसी हिसाब से। तो ए सी को मैं सी ए लिख रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए सी बोले चाहे सी ए बोले। और राइट में मुझे सी डी लिखना है तो मैं डी सी को सी डी लिख देता हूँ और सी बी, ठीक है। तो परफेक्ट हो गया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी या सी बी इंटू सी डी, कैसा भी लिखिए, हैंस प्रूफ। सो बेसिकली हमको करना क्या है, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है और एक बड़ा वाला। मैंने पूरा अपना थिंकिंग प्रोसेस भी आपको बताया, मैं किस तरीके से सोच के ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। थोड़ा लेंदी है तो ध्यान से देखना है। तो इसमें आपको एक्चुअली दो ट्राइंगल दिए हुए, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ए डी मीडियन है और इसमें पी एम मीडियन है, एंड साइड्स ए बी ए सी ए डी ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रपोर्शनल टू पी क्यू पी आर पी एम, वेरी गुड। ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना, यही वाला, राइट। तो काफी मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो प्रपोर्शन दिया हुआ है, शो कीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रूव अलग चीज करनी है इसमें थोड़ा सा। उसमें आपको एक्चुअली ये भी दिया हुआ था, एक बार अगर पिछले क्वेश्चन ये 12th और इसमें कंपैरिजन देखें तो इसमें क्या, साइड ए बी बी सी मीडियन ए डी दिया है, राइट, और इसमें ए बी ए सी और मीडियन ए डी दिया है, तो उससे फर्क आ जाता है क्वेश्चन में। पहले उसमें क्या दिया था, ए बी बी सी और ए डी, फिर हमने उसमें बी सी को हाफ से डिवाइड किया था तो बड़ी इजिली हो गया था क्वेश्चन, पर इसमें क्या दिया है, ए बी ए सी और मीडियन, तो थोड़ा फर्क आ जाएगा इसमें सॉल्यूशन में, तो काफ़ी फर्क आ जाएगा। आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, तो वो जो डिवाइड बाय टू वाला आइडिया था क्वेश्चन 12 वाला, वो इसमें चलेगा नहीं, इसलिए ये अलग क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है, ठीक है ना। तो हो तो जाएगा ही, क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन तो उसका होगा ही, पर थोड़ा अलग होगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल बना दिए, थोड़े बड़े ट्राइंगल बनाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी है उसमें। तो एक ट्राइंगल मैंने बनाया ए बी सी और उसमें मीडियन बना देते हैं ए डी, ऐसे ही एक ट्राइंगल यहां पे बना देते हैं। तो आप पेपर में जब करें तो स्केल वगैरह यूज करें, पी क्यू आर, और इसका भी मीडियन बना देते हैं एम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले जो गिवन है वो लिख दें। तो गिवन क्या है, गिवन है ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर और ए डी बाय पी एम इक्वल, ठीक है। यानी इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल दिया है। टू शो है, टू शो है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है जो अगर आपको याद रह गई तो काम बढ़िया हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको बनाना है यहां से पॉइंट डी से ई डी, और ई इसका मिड पॉइंट होगा, और ऐसे यहां पे आपको बनाना है पी क्यू आर एम, एस ले लेते हैं तो एस एम बनाना है जो पैरेलल होगा पी आर के, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसको, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू ए सी एंड एम एस पैरेलल टू पी आर। तो डी ई पैरेलल बनाना है ए सी के और एम एस पैरेलल बनाना है पी आर के, ठीक है। अब जब आप डी ई पैरेलल बनाएंगे ए सी के तो ऑटोमेटिकली ई इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसका रीजन है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, एक बार मैं याद दिला देता हूं अगर आपको नहीं पता तो। वो कहती है कि अगर आप एक साइड के मिड पॉइंट से
इस साइड के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, तो वो जो ये थर्ड साइड है उसको भी मिड पॉइंट पर ही टच करेगी। तो अगर मैं इस साइड के मिड पॉइंट से इस सेकेंड साइड के पैरेलल एक लाइन बना दूं तो थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पर ही टच करेगी। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि बेसिकली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, इसी तरीके से एस इज द सिमिलरली एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ओके, तो इतना तो हो गया। अच्छा, अब इसी में ये भी था नाइन्थ क्लास में कि डी ई ए सी का हाफ होगा, तो मैंने लिख दिया डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसी प्रकार से जो ये एम एस होता है वो भी इसका हाफ होगा, तो एम एस या एस एम जो भी आप बोल लीजिए, इसको हाफ होगा इसकी लेंथ का, पी आर का। ठीक है, तो ये हमारे काम आने वाली हैं दोनों चीज़ें। तो अब शुरुआत करते हैं। नाउ एज वी नो ए बी बाय पी क्यू, ये जो गिवन है मैं वही सेम चीज लिख रहा हूं। ठीक है, ये तो गिवन था, वही सेम चीज मैंने लिख दिया है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी को टू से डिवाइड और पी क्यू को भी टू से डिवाइड। तो ऐसा हम ट्वेल्थ क्वेश्चन में कर चुके हैं ऑलरेडी, इससे फायदा क्या होगा मैं आपको अभी बताता हूं। इसी तरीके से ए सी को टू से डिवाइड और पी आर को भी टू से डिवाइड, तो इसका फायदा तो आपको दिख ही रहा होगा कि ए सी को टू से डिवाइड करोगे तो डी मिल जाएगा, पी आर को टू से डिवाइड करोगे तो एस एम मिल जाएगा। पर इसका मैं अभी बताता हूं, और इसको मत करो, तो ये थोड़ा याद रखने का है। ए बी का हाफ, ए बी का हाफ हो जाएगा ए ई, डार्क करता हूं आपको इजीली दिखेगा, और पी क्यू का हाफ हो जाएगा, पी क्यू का हाफ हो जाएगा पी एस। ठीक है, ए सी का हाफ हो जाएगा डी ई, और पी आर का हाफ हो जाएगा एस एम, और ए डी और पीएम। तो बेसिकली आपको एक ट्राइंगल इधर वाला और इधर वाला, इनके साइड्स का रेशियो सेम आ गया। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है वो सेम हो जाएगा इसकी वजह से, एसएसएस की वजह से। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएमएस बाय एसएसएस क्राइटेरिया। तो ये तो नाम लिखना आसान था, एडीई है ना और पीएमएस, या एडी भी लिख सकते थे, पीएसएम भी लिख सकते थे। तो ये बेटा सिमिलर हो गए, और अगर ये सिमिलर हो गए तो इससे ये बात क्लियर है कि ये वाला जो एंगल है, इसको मैं वन नाम दे देता हूँ इस एंगल को, वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको टू नाम दे देते हैं, इसको थ्री और इसको फोर। ठीक है, अभी देखो क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल वन जो है वो एंगल थ्री के बराबर हो जाएगा, एंगल वन एंगल थ्री के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन यही है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अभी हम एंगल वन को एंगल थ्री के इक्वल लिख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इतना करने के बाद हम कह सकते हैं सिमिलरली अगर मैं इस साइड भी ऐसा ही करता, सेम कंस्ट्रक्शन करके इस ट्राइंगल को मैं इस ट्राइंगल के सिमिलर दिखा सकता हूं, पर करना नहीं है आपको, लिखना है सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, सेम तरीके से, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले आपने क्या दिखाया, आपने दिखाया कि एंगल वन एंगल थ्री के बराबर है, और अभी आपने क्या दिखाया, एंगल टू एंगल फोर के बराबर है। अगर आप इनको ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर,
तो बेनिफिट क्या होगा इससे, एंगल वन प्लस एंगल टू, तो ये पूरा एंगल हो गया, हुआ कि नहीं, एंगल ए, और एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, ये पूरा एंगल हो गया एंगल पी। तो आपने बेसिकली क्या शो कर दिया कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल ए एंगल पी के बराबर है। तो अब इससे क्या क्या आपको मिल गया, अब देखो हम पहले से जानते थे कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ इक्वल है ए सी के रेशियो पी आर के साथ, तो ये तो हम पहले से ही जानते थे, ये तो इक्वल है, और हमने ये शो कर दिया कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है। तो क्या हो गया इससे, साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो एस एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट, ऑलरेडी ए बी बाय पी क्यू इज गिवन इक्वल टू ए सी बाय पी आर, दिस इज गिवन, राइट, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एज प्रूव्ड, तो ये तो प्रूफ किया है, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस एस क्राइटेरिया। तो देखिए आप छोटी सी चीज से पूरा क्वेश्चन ही आपका बदल गया, उसका पूरा मेथड ही आपका चेंज हो गया, है ना, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 12 में दिया था दिस रेशियो दिस रेशियो दिस, तो उसका सॉल्यूशन एकदम अलग तरीके से हुआ था और इजी था, इसमें दिया है दिस रेशियो दिस, तो इसका मेथड अलग तरीके से हो गया। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे सारी समस्या शुरू होती है बेटा, ठीक है। तो ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, और नहीं आया तो दोबारा दोबारा रिपीट कीजिएगा इसको, फिर भी नहीं आया तो मुझको बताइएगा मैसेज करके, मैं आपको सॉल्यूशन इसका एक बार फिर से समझा दूंगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, और अब दो छोटे छोटे, ये पिछले क्वेश्चन का इसमें आ गया, अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 15th और 16th, उनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन 15 कहता है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर ओके लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री से भी काफी आसानी से हो जाएगा, पर ट्रिग्नोमेट्री अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराइए, तो हम ट्राइंगल से ही करेंगे इसको। तो देखो पहले मैंने क्या किया, ये टावर बना दिया, टावर है ये, ठीक है, और ये है जमीन। तो लेट अस से ए बी सी, टावर की हाइट दी नहीं है, तो मान लिया जाए इसकी हाइट है एच, और इसकी जो परछाई है वो 28 मीटर लंबी है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई, अब एक पोल है, पोल क्वेश्चन में क्या है, एक पोल है 6 मीटर हाइट का जिसकी शैडो 4 मीटर की है। तो चाहे तो आप पोल यहां पर भी बना सकते हैं और ये शैडो 4 मीटर की दिखा सकते हैं, नहीं तो आप अलग से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं अलग से बना देता हूं, ठीक है। तो एक पोल है 6 मीटर का और उसकी शैडो है 4 मीटर की, लेट अस से पी क्यू आर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको क्या करना है, इस टावर की हाइट बतानी है। तो बेसिक लॉजिक ये है बेटा इसके पीछे का, कि जो ये दो ट्राइंगल्स हैं इसमें ये तो 90 डिग्री है, चाहे पोल हो चाहे टावर हो, दोनों का जमीन से जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दोनों इरेक्ट हैं जमीन पे, ये जमीन है। और सेकेंडली ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों ही केस में सेम होगा, उसका रीजन ये है कि देखिए दोनों के लिए यहाँ पर एक सन है ना, और जब इस पॉइंट से आप एक हाइपोथेटिकल लाइन सन तक बनाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये सेम बनेगा दोनों ही केस में, यानी हर इरेक्ट बॉडी के लिए जो इस अर्थ पे है, जो सन से आने वाली जो रेज है वो सेम एंगल पे आ रही है, कहने का मतलब ये है। तो इधर सन से जो जिस एंगल पे ये रे आ रही है वो इसके इसके इक्वल है, दोनों का एंगल ये सेम रहेगा। तो ये यही कंसेप्ट हम ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करते हैं, आई होप आपको क्लियर है। चाहे एक लंबी सी बिल्डिंग है चाहे एक ह्यूमन बींग है, दोनों के लिए सन से आने वाली जो रे है उसका जो एंगल है वो सेम है, ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल इसलिए सेम रहेगा दोनों का, ओके।
तो कैसे करें, हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी इज एंगल इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बिकॉज 90 डिग्री ईच, एंड दिस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, और अगर मतलब मैंने देखा है ऐसा कि कई जगह पर ऐसा भी बना होता है, ऐसा बना देते हैं, तो ये भी ठीक है। यहाँ 6 मीटर है, यहाँ 4 मीटर है, उस केस में कह देते हैं कि इसका भी एंगल सी और इसका भी एंगल सी कॉमन है। तो वही बात है, क्यों कॉमन है, क्योंकि सन से आने वाली रेज का एंगल जो है वो ये वाला सेम ही रहता है। ठीक है, अच्छा, तो ट्राइंगल ए बी सी मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्राइटेरिया कौन सा, ए ए क्राइटेरिया, तो सिमिलर है तो फिर इसका ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन आर क्यू, और ए बी जो है वो एच है, पी क्यू 6 है, बी सी 28 है, ये 4 है, राइट, तो 4 7 20 और एच की वैल्यू आ गई 6 7 42 मीटर्स, यानी कि 42 मीटर है एच की वैल्यू। ठीक है बेटे, तो ये आपका 15th क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 16, और हमारा आज का काम खत्म हो जाएगा। इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की देखते हैं। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, वैसे ही जैसे इसकी डायग्राम बनाई थी अभी 14 की सेम है, प्रूफ कीजिए कि ए बी बाई पी क्यू इजकल टू ए डी बाई पी एम। तो बढ़िया इजी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। पहले आपको यहां पर एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, ए बी सी, फिर एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, पी क्यू आर, फिर इसका एक मीडियन ए डी और इसका मीडियन पी एम। और गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जब ये गिवन होता है तो बढ़िया है, काफ़ी चीज़ें अपने आप गिवन है। एंगल ए इजिकल टू एंगल पी, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, एंगल सी इजिकल टू एंगल आर, और ए बी बाई पी क्यू इजिकल टू बी सी बाई क्यू आर इजिकल टू ए सी बाई पी आर, ये सब कुछ गिवन होता है जब ट्राइंगल सिमिलर दिए। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई। और शो क्या करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए डी अपॉन पी एम, सो बेसिकली ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम, ये आपको शो करना है। ठीक है बेटे, तो किस तरीके से करेंगे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमने ये जो है इतना ले लिया जितनी रिक्वायरमेंट है, तो ए बी बाई पी क्यू इजिकल टू बी सी बाई क्यू आर, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब बी सी और क्यू आर को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो 14th क्वेश्चन में भी किया था, 12th में भी किया था, 2 से डिवाइड कर देंगे। होगा क्या, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि बी सी का हाफ हो जाएगा बी डी इतना, और क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्यू एम। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल है बी डी बाय क्यू एम के। सो बेसिकली ए बी बाय पी क्यू तो आपका है ही ए बी बाय पी क्यू, और ये इक्वल है बी डी बाय क्यू एम के, राइट। तो और इनके बीच का एंगल एंगल बी एंगल क्यू के बराबर भी है, गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ ऑल्सो एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, ये भी गिवन है। तो बेटे इनमें एस एस क्राइटेरिया लग जाएगा, तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस एस क्राइटेरिया, क्योंकि ए बी बाय पी क्यू बी डी बाय क्यू एम तो इक्वल है ही, और एंगल बी इक्वल है एंगल बी क्यू के, तो एस एस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर हो गए तो कितना ऑब्वियस है, मैं इसको भी डार्क कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए, तो कितना ऑब्वियस है कि इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ए बी बाय पी क्यू बराबर आ जाएगा ए डी बाय पी एम के, और यही आपको प्रूव करना था।
ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एक ही बात है। तो ए बी बाई पी क्यू इजल टू ए डी बाई पी एम, प्रूफ कर दिया, समझ में आया ना। तो सबसे पहले जो आपको ये नॉलेज पता थी, इसमें बी सी बाई क्यू आर को 2 से डिवाइड किया, तो बी सी का हाफ बी डी हो गया, क्यू आर का हाफ क्यू एम हो गया। अब ये साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ गया और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर पहले ही पता था, तो एस से एस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया, तो ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम के इक्वल आ गया। तो एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।